नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट अफसरों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार जारी है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण में हुए घोटाले में यूपी सरकार ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की पूर्व डीएम निधि के सरवानी को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही इस मामले में जांच की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद अग्रिम कार्रवाई में विलंब करने पर नियुक्ति विभाग के अनुभाग अधिकारी समीक्षा अधिकारी को भी निलंबित करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही अनुसचिव पर भी कार्रवाई होगी। सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी साझा की गई। इस जानकारी के मुताबिक जमीन अधिग्रहण के मामले में जांच रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से नियुक्ति विभाग के अफसरों पर भी एक्शन लिया गया है। सीएम ने अनुभाग अधिकारी नियुक्ति और समीक्षा अधिकारी को भी सस्पेंड करने के साथ ही इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। गाजियाबाद की डीएम रही निधि के सरवानी इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी काम कर रही है। 2004 बैच की मणिपुर कैडर की आईएएस निधि 2016 में गाजियाबाद की डीएम बनी थी। उन पर आरोप लगा कि इस घोटाले में अफसरों ने किसानों से सस्ते दामों पर जमीन खरीद ली और फिर उसे अपने रिश्तेदारों को खरीदवाकर सरकार को कई गुना ऊंचे रेट पर बिकवा दी। मेरठ मंडल के पूर्व आयुक्त प्रभात कुमार ने इस घोटाले की जांच की थी। इसमें गाजियाबाद की तत्कालीन डीएम निधि के सरवानी समेत कई अफसरों को दोषी पाया गया था। साल 2017 में योगी सरकार बनने से पहले ही निधि के सरवानी यूपी में वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर सालों तक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और वे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की करीबी मानी जाती हैं। प्रदेश सरकार ने केसरवानी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है। लिहाजा आईएएस निधि केसरवानी के खिलाफ कार्रवाई अब केंद्र सरकार को करनी है। योगी सरकार ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया है। तो ये थी गाजियाबाद की पूर्व डीएम निधि केसरवानी पर योगी सरकार के एक्शन से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।